दुबई में बैठकर देश में ऑनलाइन फ्रॉड का नेटवर्क चलाया जा रहा है। आरोपी शेयर मार्केट से जुड़ी कंपनी की फर्जी वेबसाइट और ऐप बनाकर लोगों से करोड़ रुपए ऐंठ रहे हैं। सागर का एक व्यापारी भी इनके झांसे में आ गया और आरोपियों ने उससे 1,70,00,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने गुजरात में रहने वाले नेटवर्क के 3 एजेंट को पकड़ा है। आरोपियों से पूछताछ में सागर से गुजरात और गुजरात से दुबई तक ऑनलाइन ठगी का नेटवर्क ट्रेस हुआ। आरोपियों ने बताया कि ठगी के रुपयों को दुबई भेजा जाता है और वहां से हवाला और क्रिप्टो में बदलकर वापस गुजरात लाया जाता है। आरोपियों के खातों से 5.25 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार तीनों आरोपी सब्बीर पिता सत्तार, रियाज पिता लालाबाई पटेल और रईस पिता रफीक मियां गुजरात के सूरत के रहने वाले हैं। तीनों 8वीं और 10वीं पास हैं। मुख्य आरोपी आवेश आगाड़ी और सुनील दुबई में हैं। दोनों आरोपी 2 साल का वीजा लेकर दुबई गए थे। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में ATM, पासबुक, सील और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। आरोपियों ने 163 खाता धारकों से अलग अलग खातों में करीब 5,25,00,000 रुपए जमा कराए हैं। पुलिस ने 6 बैंक खातों को फ्रीज कराया है। बैंक से बाकी खातों की डिटेल लेकर जांच की जा रही है। अच्छे मुनाफे के लालच में लगाए 1.70 करोड़ रुपए पीड़ित व्यापारी का नाम वैभव गुप्ता है। 31 अक्टूबर को राजीव नगर वार्ड में रहने वाले वैभव को एक एजेंट ने शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा दिलाने की स्कीम बताई। वैभव भी तैयार हो गया। उसके बाद एजेंट ने शेयर मार्केट से जुड़ी कंपनी की फर्जी साइट पर खाता खुलवाया, जिसमें वैभव ने 1.70 करोड़ रुपए लगा दिए। कुछ दिन बाद वैभव को रुपयों की जरूरत पड़ी तो उसने एजेंट से 40,00,000 रुपए मांगे, लेकिन एजेंट ने रुपए नहीं दिए। वैभव को शक हुआ, जानकारी जुटाई तो शेयर मार्केट कंपनी की वेबसाइट फर्जी निकली। इसके बाद वैभव ने मोतीनगर थाने पहुंचकर शिकायत की। सागर साइबर सेल के निरीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि OTP और पुराने तरीकों से लोग अब नहीं फंसते हैं, इसलिए ठग नए नए तरीकों से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस समय शेयर मार्केट में पैसा लगाने और अच्छा प्रॉफिट दिलाने का झांसा देकर ठगी की जा रही है। यह आरोपी सबसे पहले संबंधित व्यक्ति को फोन लगाते हैं, उससे व्यापार और अन्य जानकारी पूछते हैं और शेयर मार्केट के फायदे व नुकसान बताते हैं। एक बार मना करने पर वह बार बार कॉल कर बात करते हैं और लालच देकर झांसे में लेते हैं। ऑनलाइन ठगी के आरोपी बेहद शातिर हैं। उन्होंने शेयर मार्केट के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की है। यह पैसा दुबई के खातों में जमा कराया गया है, जहां से वे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसा वापस गुजरात के अलग अलग खातों और वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हैं। पैसों को हवाला के माध्यम से भी लिया जा रहा है। बैंक के खाते और अन्य सामग्रियां, सील और अन्य सामग्रियां वगैरह